नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम बोल रहा हूँ। आप देख रहे हैं टेक्निकल फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है, मैं आज एक अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। एक है हमारे पास पावर बैंक, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का एक पावर बैंक है जिसकी मैं अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये पावर बैंक आपके लिए कैसा यूजफुल साबित हो सकता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटे का बटन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों हमारे पास जो है पावर बैंक है जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, जो कि अभी इसका चल रहा था, सेल चल रहा था, उसी का देखते हैं, ओपन करते हैं, देखते हैं कि इस पावर बैंक के अंदर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। इसको खोल लेता हूं, ओपन कर लेता हूं। यहां देख सकते हैं बॉक्स के अंदर जो मुझे पावर बैंक मिला है, ये पावर बैंक कुछ इस तरह से पड़ा है। इसके अंदर बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, ये हमारा है मेन पावर बैंक है। यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इस पावर बैंक को मैं साइड करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारे पास पावर बैंक। ये जो पावर बैंक है ये 10,000 mAh का पावर बैंक है जो कि 18 वाट फास्ट चार्जिंग का है। इस पावर बैंक का एक बहुत ही खास चीज ये है कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, मतलब ये पावर बैंक बहुत जल्दी चार्ज होता है। और बाकी जो अभी तक पावर बैंक पहले आ रहे थे उसका बहुत स्लो चार्जिंग होता था, 2-3-4 घंटे ले लेते थे चार्ज होने में, लेकिन ये जो 10,000 mAh बैटरी का ये पावर बैंक है ये जल्दी चार्ज हो जाएगा, ये है इसका पावर बैंक है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ और चीजें यहाँ पे इसके बारे में लिखी हुई है, जिसको हम ओपन करके देख लेते हैं कि इस पावर बैंक के अंदर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं इधर से ओपन करने के लिए है, यहाँ पे केस मिल जाता है। इस केस में हमें देखने को मिलेगा वो हमें एक यूएसबी केबल मिलता है। इस पावर बैंक के साथ हमें सिर्फ एक यूएसबी केबल मिलता है और ये भी यूएसबी केबल माइक्रो यूएसबी केबल है, इसे सी टाइप यूएसबी केबल नहीं मिला। यदि आपका मोबाइल सी टाइप सपोर्ट करता है तो आपके लिए अलग से यूएसबी केबल खरीदना पड़ेगा या फिर आपको जो मोबाइल के साथ मिला है उसको यूज करना पड़ेगा। तो यह है इसका केबल है जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी का है, केबल देखने में लग रहा है। चलिए इसको हम ओपन करते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये पैकिंग के साथ इस तरह से पूरा आता है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे इसे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बहुत ही मेटेलिक बॉडी के साथ आता है, बहुत ही फिनिशिंग इसका अच्छा हमें देखने में लग रहा है। यहाँ देख सकते हैं MI का लोगो है और इस पर कुछ भी कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं एक साइड ये देखने को नहीं मिलता कि यह पावर बैंक कितने का है, कितने MAh का है, क्या कुछ इसके अंदर है, सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 10,000 mAh लिखा हुआ है और ये सब चीजें लिखा हुआ है, कितना वोल्ट ये लेगा कितना, और यहाँ पे चीज है यह जो पावर बैंक है ये इंडिया में बना हुआ है। उसी के साथ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं दो हमें USB केबल सपोर्ट करने को मिल जाता है। यहाँ देख सकते हैं माइक्रो USB के साथ यहाँ पे हमें सी टाइप सपोर्ट करता है। यहाँ पे यदि आपका मोबाइल सी टाइप है तो वहां पर इससे भी आप चार्ज कर सकते हैं। और डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बटन दिया हुआ है इसे ऑन करने के लिए भी है, मैंने नया मंगाया है। यहाँ देख सकते हैं इसको एक बार ओपन एक बार दबाएंगे तो यहाँ पे एक आपका यहाँ पे जो 4 LED इंडिकेटर ये जलने लगा, एक जल रहा है मतलब कितना ये चार्ज ये दिखा रहा है। और इसके साथ यदि कोई भी पावर का यहाँ देख सकते हैं बटन के साथ कोई भी लाइट हमें देखने को नहीं मिलता है इस पावर बैंक में, बहुत अच्छा पावर बैंक है। आप लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप जाकर यह पावर बैंक खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का पावर बैंक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।